रसोई मेरी तुम्हारी में आपका स्वागत है। मैं सुषमा त्यागी आज बनाने जा रही हूँ जलेबी। जलेबी बनाने के लिए हमें चाहिए ये 100 ग्राम मैदा, लगभग एक कटोरी, 150 ग्राम दही, 200 ग्राम चीनी, कुकिंग ऑयल जलेबी तलने के लिए, एक कटोरी पानी चाशनी बनाने के लिए, एक चुटकी रंग फूड कलर, एक चुटकी लाल रंग, दो चम्मच बेसन और आधा चम्मच खाने का सोडा बेकिंग पाउडर। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल लेंगे, उसमें पहले मैदा डाल लेंगे, तो थोड़ा थोड़ा कर करके दही डालकर एक पेस्ट बनाएंगे। अगर हमारी दही कैडी है तो हम उसमें थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं, वरना रेशो यही रहेगा, 100 ग्राम मैदा और 150 ग्राम दही। दही टाइट है तो 50 ग्राम पानी भी मिला सकते हैं, 100 ग्राम दही ले सकते हैं। ये देखिए हमारा पेस्ट बनकर के तैयार हो गया है। इसे हम 20-25 मिनट के लिए कहीं फॉर्मेट होने के लिए गर्म जगह पर रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो 2-3 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, उससे और अच्छी बनेंगी। जितने हमारा ये पेस्ट फॉर्मेट होता है उतने में हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। जो ये हमारी 200 ग्राम चीनी है वो हम इसमें डाल लेंगे और 100 ग्राम पानी, 2 कटोरी चीनी इस हिसाब से और 1 कटोरी पानी डाल लेंगे और इसे गैस पे रखेंगे और धीरे धीरे चलाते हुए इसकी एक तार की चाशनी बना लेंगे। ये देखिए हमारी चाशनी बन गई है, इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और जलेबियाँ बनाने की तैयारी करते हैं। अपना ये पेस्ट उठाएंगे और इसमें थोड़ा चलाकर आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, डाल देंगे और 2 चम्मच बेसन डालकर इसे अच्छी तरह बनाएंगे कि इसमें गांठें ना रहे, खूब अच्छे से फेंट लेंगे। एक चुटकी लाल फूड कलर है जो हमारा, वो भी डाल लेंगे इसमें। ये देखिए हमारा पेस्ट जलेबी बनाने के लिए तैयार है। अब हम जलेबी बनाना शुरू करते हैं। जलेबी बनाने के लिए हमारी जो ये सॉस बोतल है हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बोतल हमारे पास नहीं है तो ये जो दूध का पाउच होता है इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कढ़ाई में 1 चम्मच कुकिंग ऑयल रखेंगे, गैस कम रखेंगे और हम जलेबियाँ बनाना शुरू कर देंगे। इसी तरह जो हमने दूध का पाउच लिया है उसी से भी ऐसे ही बना लेंगे। इन्हें धीमी धीमी आंच पर होने देंगे थोड़ी देर के लिए, तब ये एक तरफ से सिक जाएंगे, तब हम इन्हें पलट देंगे। एक तरफ से हमारी जलेबियाँ सिक चुकी हैं, अब इन्हें पलट देंगे। ये देखिए हमारी जलेबियाँ बन चुकी हैं और ये बिल्कुल क्रिस्पी है, हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी जलेबियाँ कितनी अच्छी बनी है,
अब हम इन्हें चाशनी में डाल लेंगे। चाशनी में ज़्यादा देर तक के लिए नहीं डालेंगे, डालेंगे और कुछ सेकंड बाद इन्हें निकाल लेंगे, वरना ये सॉफ्ट हो जाएंगे ज़्यादा देर तक चाशनी में डालेंगे तो। ध्यान दें, चाशनी हमें एक तार की बनानी है और वो हल्की गर्म होनी चाहिए, जलेबियाँ गर्म हो और चाशनी हल्की गर्म। सौ ग्राम मैदा और 150 ग्राम दही लेनी है, 2 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी। ये चाशनी के लिए हमारा रेशो रहेगा। देखिए हमारी जलेबियाँ बन चुकी हैं। प्लीज़ रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक यू।